हम अपने आप को ना खुश नहीं रख पाते, मतलब एक टाइम के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे आपको देखते हैं, हम आपकी वीडियोस को देखते हैं, आप खुश बहुत रहते हैं, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं, तो सर आपके इतना ऐसे कैसे, मतलब नहीं, आप देखते हैं कितना हो, मतलब हफ्ते में एक मैं सेशन करता हूँ 1-2 घंटे का, उसमें अगर मैं खुश होने की एक्टिंग में एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्चुअल में खुश हूँ। तो अगर आपका ये सवाल है कि हमेशा खुश, सवाल का जो जवाब है वो ये है कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और खुशी को अगर समझना है तो दुख को भी समझना होगा, वो ही एक्चुअल में खुश हो सकता है। भी खुश हो जाओगे, सारे के सारे पागल हो जाओगे, झूमने लग जाओगे, नाचोगे, कूदोगे, कपड़े वपड़े फाड़ लोगे अपने, मतलब हैं साथ वाले के बाल बाल नोच दोगे। एक बार माइक दे दो, मैं आपको बताता हूँ, देखना अभी खुश हो जाओगे। देखो, आंख बंद करो सारे के सारे, अब इमेजिन करो कि आपके पास में जो भी कुछ है जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, हो सकता है कुछ लोग हो, भाई बहन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ चीजें हो, एक घर है, चाहे किराए का है चाहे अपना है, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके पास। इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और वो सब गायब, सब गायब। उसमें से एक भी चीज नहीं है आपके पास में, जो भी अभी है, कोई इंसान नहीं है, सब गए। अब आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान, जो भी मुझसे छिन गया है वो मुझे वापस कर दो। और भगवान ने आपकी सुन ली और आपको सब कुछ वापस कर दिया। आप खोल सकते हो, कैसा फील हो रहा है? अब लगा कि आपके पास में क्या है, तो जब वो चीज छिन जाती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। माँ है, बाप, भाई, बहन, दोस्त, एक घर है, एक कंफर्टेबल लाइफ, पता नहीं क्या क्या है, बट इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाए, उस सबके रहते हुए ही इसको खुशी बोलते हैं, उसके चले जाने के बाद आपको समझ आए तो इसको दुख बोलते हैं।